नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजपूतों के उत्पत्ति के बारे में और जानेंगे राजपूत कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या राजपूत क्षत्रिय हैं या नहीं। दोस्तों, राजपूत जाति की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों में एक मत नहीं है। राजपूत की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकार तीन तरह की थ्योरी देते हैं। इन थ्योरी को समझने से पहले हमें राजपूत शब्द को समझना पड़ेगा ताकि हम राजपूत की उत्पत्ति को अच्छी से समझ सकें। दोस्तों, राजपूत का संस्कृत भाषा में अर्थ होता है राजा का पुत्र, जो कि उस समय राज परिवार के सदस्यों के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता था। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि हर्षवर्धन काल के पहले राजपूत शब्द का उल्लेख या राजपूत जाति का उल्लेख कहीं भी किसी भी प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्यों, शिलालेखों, अभिलेखों या पांडुलिपियों में नहीं मिलता है, न ही जैन बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। 11वीं सदी के प्रारंभ में गुप्त काल और हर्षवर्धन काल के बाद इसका प्रथम उल्लेख 11वीं सदी के आरंभ में मिलता है। गुप्त काल और हर्षवर्धन के बाद ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ जिसने भारत के बृहद भाग पर राज किया हो। मुस्लिम आक्रमणकारियों के पहले हर्षवर्धन के बाद भारत छोटे छोटे रियासतों में बट गया था और भारत में छोटी छोटी रियासतें उत्पन्न हो गई थी। रियासतों के राजाओं को राजपूत कहा जाता था। इसके साथ ही जो बड़े जमींदार होते थे, सामंत होते थे, ठाकुर होते थे, उनको भी राजपूत कहा जाता था। एक बात ध्यान रहे, प्रारंभ में राजपूत शब्द किसी जाति के लिए नहीं प्रयोग किया जाता था, अपितु यह सिर्फ गैर वंशागत पद नाम था। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में जैसे राजा का पुत्र अपभ्रंश होकर राजपूत बन गया, वैसे ही राजपूत शब्द विभिन्न सजातीय और सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि के लोगों का सामाजिक समूह बन गया और इस तरह से यह एक जाति बन गई, राजपूत जाति। क्योंकि ये लोग राजा, सैनिक और योद्धा थे, इसलिए इनको वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों के बाद द्वितीय स्थान प्राप्त हो गया। लेकिन अभी भी यह सवाल है कि राजपूत कौन है, क्या राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की संतान है या राजपूत विदेशी हैं? राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकार इसे तीन भागों में बांटते हैं। पहला है विदेशी सिद्धांत, दूसरा है स्वदेशी सिद्धांत और तीसरा है पौराणिक सिद्धांत। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विदेशी सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत के अनुसार राजपूत विदेशी हैं, जो हूणों, सीथियन, कुषाणों और श्वेत हूणों जैसी मध्य एशियाई जनजाति से जुड़े हैं, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और समय के साथ इन आक्रमणकारियों ने भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति में समा गए और भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर लिया। क्योंकि ये योद्धा थे व शासक थे, इसलिए क्षत्रिय का दर्जा प्राप्त कर लिया। इस सिद्धांत के समर्थक ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड, विलियम ब्रुक, बी ए स्मिथ, ईश्वर प्रसाद एवं डी आर भंडारकर प्रमुख हैं। इन सभी का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति इन विदेशी आक्रमणकारियों के मिश्रण से ही हुई है। वहीं पर दूसरा सिद्धांत है स्वदेशी सिद्धांत। कुछ विद्वानों का तर्क है कि राजपूत वैदिक काल के प्राचीन क्षत्रिय योद्धाओं के वंशज थे। इस बात के प्रबल समर्थक दशरथ शर्मा, चिंतामणि विनायक वैद्य और डॉक्टर गौरी शंकर ओझा प्रमुख हैं। अपने तर्क को बल देने के लिए ये विद्वान राज तरंगिणी नामक ऐतिहासिक पुस्तक का उदाहरण देते हैं, जिसमें क्षत्रियों के 36 कुल का वर्णन मिलता है और ये कुल आज भी राजपूतों में पाए जाते हैं। वहीं पर मनुस्मृति में भी उल्लेख मिलता है कि कई विदेशी समूह के क्षत्रिय जो थे, लेकिन ये लोग ब्राह्मणों से दूरी बनाए रखते थे, इसी कारण ये लोग शूद्र बन गए। तीसरी मान्यता है पौराणिक मान्यता कि दंतियों के अनुसार परशुराम के द्वारा क्षत्रियों का संहार करने के बाद ऋषि वशिष्ठ ने दैत्यों से रक्षा के लिए राजस्थान के आबू पर्वत में एक यज्ञ किया। उस यज्ञ की अग्नि से 4 राजपूत
राजपूत योद्धा उत्पन्न हुए, चौहान, परमार, सोलंकी और प्रतिहार। लेकिन दोस्तों, ऋषि वशिष्ठ कब के थे? त्रेता युग। दैत्य कब थे? त्रेता और द्वापर युग में। तो ऋषि वशिष्ठ इनको कलयुग में कैसे उत्पन्न कर रहे थे, ये समझ में नहीं आ रहा। और कलयुग के पहले इनको अग्नि से उत्पन्न किया गया था, तो उनका उल्लेख प्राचीन अभिलेख, शिलालेख, ताम्रपत्र और पांडुलिपियों में क्यों नहीं मिलता? हर्षवर्धन के पहले राजपूतों का उल्लेख क्यों नहीं मिल रहा है? इसका मतलब यह सीधा सा है कि यह एक मनगढ़ंत कहानी है, इतिहास नहीं। एक बात और, माउंट आबू में यज्ञ के प्रमाण मिलते हैं जो कि 8वीं से 9वीं सदी के माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कन्नौज के ब्राह्मणों ने कुछ वीर योद्धाओं का शुद्धिकरण अर्थात धर्मांतरण किया था अपनी रक्षा के लिए, और इसके लिए उन्होंने माउंट आबू में एक यज्ञ किया था। दोस्तों, दिए गए तर्कों और राजपूतों से संबंधित विभिन्न पुस्तकों के अध्ययन के बाद मेरा ऐसा मानना है कि राजपूत एक वर्ण संकर जाति है। कुछ विदेशी शासक और भारतीय शासक वर्ग से तो कुछ भारतीय शासक और निम्न भारतीय समुदाय के मिलन से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि इनके माता पिता शासक वर्ग के थे, इसीलिए ये सभी शासक बने। शुरुआत देखें तो ये प्रारंभ में छोटे जमींदार, योद्धा, सैनिक या फिर छोटी रियासत के राजा हुआ करते थे। रही इनकी कुलों की बात, तो इनके पूर्वज प्राचीन शासक वर्ग के कुलों से संबंध रखते थे, इसीलिए इनके कुलों में और गोत्रों में समानताएं देखी जाती हैं। क्षत्रिय राजवंशों के पतन के बाद ब्राह्मणों ने राजपूतों को क्षत्रियों के स्थान पर शिफ्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ये तो थी इस वीडियो में राजपूत जाति की उत्पत्ति। मैंने अंत में अपना विचार व्यक्त किया, आप अपना विचार कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।